यथागारम दुच्छन्नम विट्ठि, यथागारम दुच्छन्नम उठि समति विज्जति एवं अभावितम चित्तम रागो समति विज्जति। आगार कहते हैं घर को। यथा जैसे घर दुच्छन्नम ठीक से न छाने पर, मजबूत न बनाने पर, उठी वृष्टि वर्षा, वर्षा का जल समति विज्जति सीमा बेध देता है। समति सीमा, विज्जति बीधता है, बेध देता है, छाजन तोड़कर पानी बह निकलता है। एवं वैसे अभावितम भावना विहीन, भावना ध्यान, ध्यानाभ्यास विहीन चित्तम चित्त में रागो मोह विषयाशक्ति समति विज्जति सीमा तोड़कर प्रवेश कर जाती है। जैसे ठीक से न छाए हुए घर में वर्षा का जल घुस जाता है, वैसे ध्यानाभ्यास रहित चित्त में राग घुस जाता है। अनुभव की बात है, और बहुत सरल उदाहरण से तथागत बुद्ध कहते हैं, छप्पर छाजन छत यदि दुर्बल बनाए जाएंगे तो वर्षा का पानी उसमें छेद करके घर में बहेगा ही। इसी प्रकार जो ध्यानाभ्यास नहीं करेगा उसके मन में संसार के राग भरेंगे ही। केवल ध्यानाभ्यास की बात नहीं है, ध्यानाभ्यास के सारे अंगों पांग, ध्यान का जन्म अचानक नहीं होता है। किया कर लो और ध्यान हो जाए, ध्यान परिणाम है, फल है। सब कुछ जब जीवन में व्यवस्थित होता है, सही होता है, तब जाकर के ध्यान की परिणति होती है। ज्ञान वैराग्य संपन्न संतों की सेवा, उनकी संगत, उनके विचारों को सुनना, ज्ञान वैराग्य पर ग्रंथों को पढ़ना, अकेले में बैठ करके सारा सार का विचार करना, संसार की अनित्यता तक अनित्यता का चिंतन करना, सदाचारी त्यागी, ये जितने अभ्यास हैं वो सब ध्यान के लिए ही हैं। ध्यान में बैठे मन शांत हो, ये कैसे हो जाएगा? हमारे सारे क्रियाकलापों का परिणाम आता है। यदि असंयत व्यवहार हुआ है, चाहे शब्दों के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से, या चिंतन के माध्यम से, शब्द हमने सही बोला, काम भी सही करते हैं, लेकिन मन में कुचिंतन चल रहा हो तो क्या होगा? तो भी ध्यान का फल नहीं आएगा। कारण को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, मजबूत अपने को बनाना है। मनुष्य के चारों ओर
विषय बाजार है, स्वजन परजन संसार के नर नारी या मित्रजन, सब विषय वासना और मोह का पाठ पढ़ाने वाले हैं। साथ में इंद्रियां भी है। सद्गुरु विशाल देव ने कहा, बाहर कुसंग पदार्थ संगति जड़ चेतन मिली दुर्मत्ता, साथ है कुसंग देह मन इंद्री, अंदर कुसंग कामना चाह, जगत में रह के करियो का। बाहर तो चारों तरफ पंच विषयों का पसारा है, इंद्रियां खुली हुई है, इंद्रियों से सीधे संपर्क होना है। ये कैसे हो सकता है कि उन कारणों को हम खत्म कर दें? हमें कैसे मान लें कि हमें कोई कटु नहीं कहेगा, गलत नहीं कहेगा, हमारी आलोचना नहीं होगी? सब कुछ हमारे अनुकूल हो, हर परिस्थिति अनुकूल हो, तब ध्यान का फल पाएंगे, तब ध्यान में सफलता मिलेगी, तब ध्यानाभ्यास में पूर्णता होगी। गुरुदेव जी की भाषा में कहूँ, ये बर्फ भून करके खाना है। बर्फ को बड़ी ठंडी है ऐसा समझ कर उसको आग में भून कर खाना चाहे, ये नहीं हो सकता है। वर्षा का जल आप ये कहें कि वर्षा ना आए, ये कैसे हो सकता है? आपको अपना घर मजबूत बनाना है, आपके अपनी भीतरी स्थिति मजबूत हो। गुरुदेव लिखते हैं, जो अपना उद्धार चाहे वह पहले यह समझ ले कि विषय वासनाएं राग अविद्या जनित केवल अंधकार धर्म है। प्रकाश द्रव्य है, अंधकार कोई द्रव्य नहीं है, अंधकार तो प्रकाश का भाव मात्र है। अतएव ज्ञान होने पर राग लुप्त हो जाएगा। ज्ञान का आचरण करने वाला चाहिए और उसी के लिए सद्गुरु की शरण, संत संगत, सेवा, स्वाध्याय और साधना, वो जोर से लगना होगा, जोर से लगना होगा। ध्यान में पूर्णता नहीं मिल रही है तो हमें अपने क्रियाकलापों को झांकना होगा। क्या हम भीतर से मजबूत बने इस चीज़ को? छोटी छोटी बातों को लेकर के हम विचलित होते चले जाते हैं, छोटी सी घटना हमें परेशान कर देती है, मजबूती नहीं आई है। तथागत बुद्ध कहते हैं, इसकी आगे वाली गाथा में क्या कहते हैं, जिस प्रकार यथागारम सुच्छन्नम, पिछली गाथा में थी दुच्छन्नम, यहाँ कह रहा है सुच्छन्नम, उठ न समति विज्झति एवं सुभावितम चित्तम रागो न समति विज्झति। यथागारम, जैसे आगार घर, सुच्छन्नम ठीक से छाए जाने पर, उठी न समति विज्झति, वृष्टि नहीं सीमा तोड़कर बेधती है। बारिश चाहे जितना हो, आपका मकान मजबूत है, छप्पर मजबूत है, पानी नीचे नहीं आएगा, छेद नहीं करेगा। एवं वैसे सुभावितम चित्तम, ध्यानाभ्यासी चित्त में रागो न समति विज्झति, मोह नहीं सीमा तोड़कर बेधता है। जिसने अपने छप्पर को, खपरेल या छत मजबूत बना के रखा है, उसके घर में वर्षा का पानी नहीं चू सकता। इसी प्रकार ध्यानाभ्यासी के चित्त में मोह नहीं प्रवेश कर सकता। सभी संत यही कहेंगे, अपने को मजबूत करो। बाहर के घात प्रतिघात से हम विचलित न हो, ये पहले ही तैयार हो जाए। अकेले बैठे तो ये मान करके चलें, अपने में भीतर ये तय करें, क्या मैं दुनिया को बदल के अपने ध्यान में सफलता पाऊंगा? सारे लोग जब अनुकूल व्यवहार करेंगे, कोई मुझे गलत न कहें, तब जा करके मेरी साधना सफल होगी? ऐसा नहीं है। पहले ही मान करके बैठो कि ये मेरे ऊपर आने वाले हैं। क्या मैं
इतनी ऊंचाई पर उठ गया हूं। आप जानते हैं जो ऊंचाई पर उठे हुए थे, जो जीवन में पूर्णता प्राप्त कर चुके थे, ऐसे महान पुरुषों की भी आलोचना हुई है। उनके सामने उनकी कटु आलोचना, उनको गाली देने वाले, अपमान करने वाले थे। हम अपनी स्थिति तो देखें, हम तो अभी जैसे कोई कदम ही न बढ़ाए हों और बस किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमारे विरोध में बात कह दिया और बस हम एकदम परेशान और अंदर अकेले बैठे, अंदर में द्वंद्व। हम पहले ही मान के बैठे हैं ये दुनिया ऐसी ही रहेगी। रोम सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा है, सुबह उठूंगा और ऐसे लोगों से भी मिलूंगा, अच्छे लोग भी मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोग भी मिलेंगे जो विरोधी होंगे, क्रोधी होंगे, कटु बोलने वाले, आलोचना करने वाले, गलत करने वाले, लेकिन मैं हैरान नहीं होऊंगा, परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि ऐसे लोगों के बिना संसार की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे लोग रहेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर, बहुत आलोचना उनकी, इतनी आलोचना लोगों से होती थी, लोगों की आदत बन गई थी, प्रिय आदत बन गई थी उनकी आलोचना करना। लेकिन आगे चलकर इतने सम्मानित व्यक्ति हुए, लोगों के इतने प्रिय नेता हो गए, सभी लोग उनका सम्मान करते थे। एक बार नार्मन विंसेंट पिल, जो पादरी थे, कई पुस्तकों के लेखक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि उनसे पूछते हैं, जब आपकी आलोचना होती थी तो आप परेशान नहीं होते थे, आहत नहीं होते थे? उन्होंने कहा, बड़ी आश्चर्य दृष्टि से उनकी ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, जाहिर है नहीं। कैसे? तो हर्बर्ट हूवर ने कहा, आपको बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मैं राजनीति में आया तो बैठ करके सोचा, क्या लाभ क्या हानि। तब मुझे उसी समय पता चल गया था कि लोग मेरी कटु आलोचना करेंगे, कटु आलोचना करेंगे। पहले से ही मैं तैयार था, लोग मेरी आलोचना करेंगे, लेकिन मुझे विचलित नहीं होना है, मुझे अपना काम करना है। तो फिर जब लोगों के द्वारा मेरा अपमान हुआ, आलोचनाएं हुई, मैं शांत रहा, उससे परेशान नहीं हुआ, आहत नहीं हुआ। उन्होंने आगे फिर कहा कि मैं क्वेकर्स भी हूँ। क्वेकर उन लोगों का एक संगठन है जो शांति की साधना करते हैं। तो शांति की साधना करने वाली जो संगठन है, उसका भी मैं सदस्य हूँ। आपस में बैठ करके वे लोग इसी की साधना करते हैं। उनकी एक बार मीटिंग थी क्वेकर्स की, तो एक बुजुर्ग ने क्या कहा, जब भी कोई व्यक्ति आपसे मत भिन्नता रखे या आपकी आलोचना करे तो उसे अपनी दृष्टि, अपने व्यवहार और अपने कर्मों द्वारा यह दिखाने की कोशिश करें कि आप उससे प्रेम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, कोई सरल काम नहीं है। क्या कह रहे हैं, जब कोई व्यक्ति आपसे मत भिन्नता रखे, आपकी आलोचना करे, तो क्या करना है,
आप अपनी दृष्टि से, अपने व्यवहार से और अपने कार्यों द्वारा यह दिखाने की कोशिश करें कि आप उनसे प्रेम करते हैं। अब जो विरोधी हो उनके प्रति ऐसा व्यवहार करके उनको जताना कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ये कितना कठिन है, कितना कठिन है। लेकिन ये कठिन साधना करेंगे तभी ध्यान में प्रवेश मिलेगा। मजबूत बनाओ। तथागत बुद्ध क्या करें, सुच्छन्नम यथागारम, जिसने अपने छप्पर, खपरेल या छत मजबूत बनाए उसके घर में वर्षा का पानी नहीं चू सकता। इसी तरह ध्यानाभ्यासी के चित्त में मोह नहीं प्रवेश कर सकता। सर्वांग साधना लेना होगा। गुरुदेव लिखते हैं केवल ध्यान की ही नहीं, संगत, साहित्य, साधना, सावधानी, खान पान, रहन सहन, वाणी बर्ताव, जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्रवाही होते हैं तब धीरे धीरे मन अनाशक्ति में मजबूत होता है। अमित काल बहुत काल अभ्यास करी जो वैराग्य प्रवीण, दलय विघ्न आसक्ति सब दिन दिन हो ये स्वधीन। ये सद्गुरु विशाल देव की पंक्ति है। बहुत काल अभ्यास करी, शर्त क्या रखते हैं, जो वैराग्य प्रवीण, अभ्यास करो वैराग्य में कुशल हो जाओ, प्रवीण हो जाओ। दलय विघ्न आसक्ति सब, आसक्ति के सारे कारणों का दलन करे, जिन कारणों से आसक्ति होती है। यदि मैं आलोचना से प्रभावित हो रहा हूँ, कहीं तो आसक्ति है, अपनी मान्यताओं के प्रति आसक्ति है, अपने पद प्रतिष्ठा के प्रति आसक्ति है, अपने प्रति आसक्ति है, अपनी सोच के प्रति आसक्ति है। हमें कबूल नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे से भी कभी गलती हो सकती है, लोग बोल रहे हैं, और ये मान करके चलिए आपसे आपका जो दुश्मन है ना उनका विचार ज्यादा सटीक होता है, क्योंकि वो बड़ी निष्पक्षता से देखता है, बहुत तटस्थ होकर देखता है। हम में से हमारे अलावा सबको पता है कि हमसे कौन कौन सी गलतियां हो रही है, केवल हमें नहीं पता है, सबको पता है कि हमने कौन कौन सी गलती की है और गलती कर रहे हैं। नहीं बोलते, नहीं बोलते, बस इतनी सी बात है, कोई बोल देता है। यह मान करके चलना है कि ऐसी स्थिति आएगी, इसलिए मजबूत बनना है। सर्वांग साधना को लेकर जो अपने उद्धार के लिए डट जाएगा उसके कल्याण में देरी नहीं है। प्रायः साधक के जब मोटे मोटे दोष छूट जाते हैं और कई सद्गुण आ जाते हैं और चित्त में स्वस्थता आने लगती है, तब वह असावधानी करने लगता है, लोगों के कल्याण के मोह में पड़कर बहिर्मुख होने लगता है, और फिर जब चित्त में भोग, वासना, राग, द्वेष, हर्ष, शोक के मेढक उछलने लगते हैं और वह दुखी हो जाता है। गुरुदेव लिखते हैं साधक सावधान रहे, अपने को सिद्ध मानकर कभी अहंकार न करे, सब समय अपने मन इंद्रियों तथा संसार के प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों के आवरण से सावधान रहे, संग दोष से मोह हो, मोह से उपजय काम। जहां असावधान हुए कि संग दोष से मोह पैदा होगा और मोह से कामनाएं जगेंगी, अतएव वैराग्य की ऐसी मजबूत छत बनाना चाहिए उसमें राग का किंचित प्रवेश न हो, और भक्ति, सेवा, विवेक, वैराग्य, स्वाध्याय, चिंतन और ध्यानाभ्यास से अपने चित्त को अनासक्ति में रखकर शुद्ध बनाए रखे। ये एक दो दिन का काम नहीं है, और ये भी नहीं है कि कोई ऐसा हमारे लिए कर देगा। कितनी मेहनत है, कितना बड़ा काम है। सद्गुरु विशाल देव की ये पंक्ति बहुत बार हम लोगों ने पाठ किया है, इन सब को पूरा किए नहीं समय जग काज।
साधना का काम करोगे तो फिर जगत के काज के लिए, प्रपंच के लिए समय नहीं है। इन सबको पूरा किए नहीं समय जग काज, सोई गए संहारी के साधु संत सिरताज। इसी को संभालना है। ये जो संभालता है वो भीतर से मजबूत बनता जाता है, और जितना हम भीतर से मजबूत बनते जाएंगे उतने ही मोह राग आसक्ति हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ध्यान में सफलता मिलती चली जाएगी। ये काम स्वयं को करना होगा।